संजय दत्त के बर्थडे के दिन क्या KGF चैप्टर 2 की कोई अपडेट मिल सकती है? प्रशांत नील ने, जो कि फिल्म के डायरेक्टर है, इस बात का क्या इशारा किया है? क्या हो सकता है संजय दत्त के बर्थडे वाले दिन? KGF चैप्टर 2 का बस लगातार बढ़ता ही जा रहा है, फैंस का इंतजार लगातार और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और सब चाहते हैं कि ये फिल्म जल्द से जल्द रिलीज की जाए। आपको बता दें कि संजय दत्त का बर्थडे आने वाला है और एक साल पहले ठीक उसी दिन, संजय दत्त के बर्थडे वाले दिन, उनका लुक जारी किया गया था KGF चैप्टर 2 वाला, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा स्टर्निंग नज़र आ रहे थे। उनका चेहरा ढका हुआ था, आधा आँखें दिख रही थी और साथ ही जो उन्होंने अंगूठी पहनी हुई थी, और सभी ये पोस्टर देखकर एक्साइटेड हो गए थे अधीरा का, और तभी से और भी ज़्यादा इंतज़ार बढ़ने लगा। अब पूरा इस बात को एक साल होने वाला है, 29 जुलाई को एक बार फिर से संजय दत्त का बर्थडे आएगा और सभी को उम्मीद है कि 29 जुलाई को कोई ना कोई KGF चैप्टर 2 की अपडेट सामने आ सकती है, या तो वो कोई टीज़र हो सकता है या तो कोई पोस्टर हो सकता है। इसके अलावा प्रशांत नील ने भी ट्वीट करके ये जानकारी दे दी है कि कोई अपडेट जल्द ही आने वाली है। वहीं आपको बता दें KGF चैप्टर 2 की अब तक 4 पोस्टर रिलीज़ किए गए हैं, एक तो अधीरा वाला और एक यश का, जो कि एक यश जो आगे दिख रहे हैं, पीछे से मजदूर दिख रहे हैं, वो बहुत स्टनिंग पोस्टर लगा। उसके अलावा रिलीज डेट वाला पोस्टर और KGF चैप्टर 2 का लुक, वो 4 पोस्टर रिलीज़ किए जा चुके हैं और अब लगता है कि एक और पोस्टर नहीं रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे पोस्टर रिलीज़ किए जा चुके हैं। मेन कैरेक्टर जो है उनका पोस्टर रिलीज़ किया जा चुका है, तो अब लगता है कि संजय दत्त के बर्थडे के दिन टीज़र रिलीज़ हो सकता है। जी हाँ, इसका पूरा अंदाज़ा लगाया जा रहा है और अब 29 जुलाई का सभी को इंतज़ार है, क्योंकि संजय दत्त के बर्थडे के दिन एक बड़ी अनाउंसमेंट KGF चैप्टर 2 से जुड़ी हो सकती है। वहीं आपको बता दें KGF चैप्टर 2 में यश और अधीरा का सभी को इंतज़ार है, लेकिन इसमें रवीना टंडन भी एक अहम किरदार में नज़र आने वाली है। तो देखते हैं KGF चैप्टर 2 में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। आपको KGF चैप्टर 2 का कितना इंतज़ार है? संजय दत्त के बर्थडे के दिन क्या अनाउंसमेंट हो सकती है, इसका आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख डालिए और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे